टूटा है पुराना, बहुत 15 साल बाद आया हूँ मैं यार गाइस, कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत तो गाइस देख आना पड़ेगा पहाड़ और है किसकी ये। हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और हम ईद वाले दिन पहुंच गए हैं दरिया के ऊपर, तो अभी ईद की नमाज़ पढ़ी नहीं है तो मैं दरिया पे आया हूँ। आपको बताऊँगा किस लिए आया हूँ। तो यार आज मौसम और गाइस हम नमाज पढ़ के अभी वेले हो गए हैं, तो अभी हम जाएंगे घर, तो जाके देखेंगे रेड़े वेड़े। हम अभी जा रहे हैं लखनपुर, तो देखें कोई ब्लॉग शो बनाएंगे तुम्हारे लिए, तो खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। अगर घर वाले बोल रहे थे भाई खाना खा जा, अगर रोज़ घर में खाना खाएंगे, आज ईद का दिन है, आज बाहर खाना खाएंगे कुछ अलग से खाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं अभी, अभी तो बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी रास्ते, तो देखो गाइस रास्ता में तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो अभी हम निकलने वाले हैं। आप उनका बाइक तो देखो आज मैंने कहाँ चढ़ाया, मेरा बस चले तो मैं ये पेड़ों के ऊपर चढ़ा दूँ, लेकिन ये चल नहीं रहा था। तो गाइस आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी मैं घर से निकला था तो हमारे घर की तरफ बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं यहाँ जैसे यहाँ पहुँचा तो यहाँ भाई बारिश तो लगी नहीं, ये हो गया जादू जादू। तो हेलो गाइस, यार हम अभी घूम के आ चुके हैं अपने नहर पे, तो घूमे कहाँ यहीं कठुआ बठुआ गए थे, बस खाया पिया है नहीं कुछ यार, मन नहीं किया। तो अभी पहुँच के नहर पे, तो यार जाना कहाँ था, गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाती है, इसकी डिस्क ब्रेक है बाइक की, ये किसी बार ये चलते चलते ऐसे हो जाती है, मतलब कि ये डिस्क ब्रेक बिल्कुल फेल हो जाती है। परसों हम कॉलेज से वापस आ रहे थे तब भी हम लगाने लगे तो ये फेल हो गई, तो फिर इसमें यहाँ कहीं हवा रुक जाती है, तो उन्होंने ठीक करके दी थी। लेकिन यार अभी सुबह से क्या हो रहा है, जब भी मैं बाइक चला रहा हूँ बीच में ये मिसिंग कर रही है, मतलब कि ये ब्रेक लग नहीं रही है। तो भाई ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन कहीं हॉस्पिटल पहुँच जाए, इससे अच्छा है घर में बैठा है ना। तो बाकी यार आते समय हमारी फिर से ब्रेकें फेल हो गई थी, तो अभी हम बुलेट लेके आए हैं था हमारे पुराने घर की तरफ, तो अभी हम दूसरी बाइक लेके आए हैं, हमारा ये रॉयल इनफील्ड है, तो अपना बाइक हम लखनपुरी लेके। अब चार ये रोड अभी बना है कोई 1.5 साल हो चुका है, तो भाई खतरनाक रोड है, तो आगे आगे देख रहा भाई पूरा खतरनाक रोड है, खतरनाक रोड आ गया इस पर ये हो। तो आज ईद है, तो गाइस हम आते हुए मिलेंगे सबको, तो अभी हमारे साथ एक और रोग आते वक्त वो ये नीचे आए, ओ भाई ओ देखना, यहाँ से पैदल पैदल ही आना पड़ता था, तो स्कूल भी मैं पैदल ही जाया करता था, तो तब मैं 4-5 साल का था, 6 साल का हूँ लगभग। ये तो ये पहाड़ी काट काट के रोड बनाया है यहाँ से, देखो क्या बढ़िया रोड है इधर, है ना भाई, देखो यहाँ पे बहुत मज़ा है, क्योंकि भाई देखो पहाड़ों में से काट काट के रोड बनाया हुआ है, तो पहले कोई रोड नहीं था, यहाँ से जाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से वो पीछे से जाता था शायद, तो ऐसा। तो गैर यहाँ ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं जैसे श्रीनगर में गिरते हैं, तो यहाँ पूरा होशियार हो गया, तो बारिश भी आने वाली है, पता नहीं कब गिरेगी थाड़ थाड़ कर। तो यही गाइस यहाँ पे है, तो हाँ यहाँ से जाता था रास्ता, तो गाइस यहाँ से वो ऊपर था हमारा घर, वो सामने ऊपर, तो यहाँ से जाता था रास्ता, तो अबे कवर नीचे फेंक गया, यहाँ से देखो पुली बनी हुई है, यहाँ से जाता था घर को हमारे को रास्ता, यहाँ से मैं कई बार पैदल गया हूँ, डर भी बहुत लगता था। तो हम स्कूल को वो सामने पार वाले रोड से जाते थे, उधर से नीचे उतर के 15 minutes later ये पेड़ जब मैं रहता था, ये पेड़ मेरे को अच्छी तरह मालूम है, ये पेड़ होता था, तो यहाँ ऊपर गए, यहाँ रास्ता है ऊपर जाने को है, होगा थोड़ा बहुत, ये तो है, यहाँ से गाइस हम आपको दिखाएंगे यहाँ कहाँ, यहाँ कहीं कुआं होता था, वो नीचे जहाँ गाय है वहाँ, वहाँ जहाँ पानी है वहाँ कुआं हुआ करता था, और हम यहाँ हमारे घर हुआ थे ये ऊपर, लेकिन पहले यहाँ बहुत बड़ी पहाड़ी थी, अभी रोड की रोड बन गया तो यहाँ पे सही हो गया, तो यहाँ ऊपर होता था हमारा घर, तो यहाँ से मैं पैदल जाता था, वो पार से ऊपर चढ़ के बसंतपुर, वहाँ से पैदल पैदल जाया करता था, कभी पानी आता था इधर तो फिर मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो कभी मैं स्कूल से वापस आया था जब 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी, तो मैं आधा काम अपना यहीं कर लेता था यहाँ चढ़ते चढ़ते ही। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे हम कहाँ रहते हैं,
तो यार बाइक को लगाएंगे यहाँ साइड पे। तो गाइस देखो यार ये पहाड़ी के ऊपर कहाँ से चढ़ेंगे, आ जा लाख लग करके जाएंगे, कोई ले जाएगा इसे भी। हाँ आ जाओ गाइस, तो हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ रहते थे कहाँ नहीं। तो आधा अभी रोड बन गया है, तो आ जा भाई देखो हमारा भाई पूरा टूर में चल रहा है। तो गाइस देख आना पड़ेगा पहाड़ी और किसकी। ये भाई ये मिट्टी है ना, जो देखो ये मिट्टी जो होती है ये बंदे को गिरा देती है। पहले नहीं थी ऐसी यार ये मिट्टी, जब से हम चले गए मिट्टी खराब हो गई भाई। अरे मार या पीछे से, मेरे पीछे उंगली दे रहा तू। तो गाइस यहाँ पे किसी ने कुछ लगाया है। तो गाइस हाँ तो वाह गाइस ये देखो यहाँ पे नीचे बकरियां किसी की है पड़ी हुई खेतों में, तो घास सारा खा ली बकरी ने, कि कुत्ता ना हो। ये देखो गाइस किसी की, किसी का सारा मक्की मुक्की खा ली बकरी ने, सांस चढ़ गई मेरी। तो ये सभी पहाड़ी ऊपर सब मैंने सब मुझे मालूम है, 15 साल पहले मैं यहीं रहता था, यहीं घूमता घामता था, ये ऊपर ऊपर तक जाता था मैं है यहीं पे बकरी चराता। अरे वो बात अलग थी, हाँ चराता था तब छोटा था, तो बकरी चराना कौन सी कम बात है, बकरी चराना भी खूनखार काम है। तो गाइस इस जगह का क्या नाम था, बूनी कटल, हाँ बूनी कटल। ये पेड़ जब हमारे घर यहाँ थे तभी ये पेड़ था, अभी भी उतना है ये पेड़। तो यहाँ पे हमारे घर वाले आके राखी करते थे है ना, मंकी मुंकियों की यहाँ से ज़मीन पे राखी करते थे, यहाँ घर हमारा वहाँ था। ये जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ ना, खोल के बताता हूँ गाइस, वो जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है ना वो वाला, वो अमरूद का पेड़ जो लगा हुआ है वो तब हमारे मतलब के घर का चूल्हा होता है ना, चूल्हे के आगे होता था तब, ये छोटा सा पेड़ था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे पूरी कोठी थी, अभी ख़त्म है, ये दरख्त सब वही पुराने रास्ता तब वहाँ से होता था नीचे को, ये बांस ही तब, ये पूरा जब हम रहते थे ये पूरा ऐसे मतलब कि साफ था, अभी थोड़ा होगा। ये बड़ी का पेड़ है जो वो नीचे वहाँ पे हम पानी का कुआँ था वहाँ, और अभी पता नहीं है नहीं ये नाली भी आती थी, तो ये सारा कुछ यार तब यार चीज़ सारा कुछ ऐसे साफ सुफ सा था, अभी जंगल बन गया क्योंकि वो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो यहीं कुछ लोग लगाते हैं हमारे रिलेटिव हैं वो इस जगह को अभी करते हैं खेत। तो ये देखो वही बूटा है पुराना, बहुत 15 साल बाद आया हूँ मैं यार गाइस, कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदला है लेकिन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो गाइस ये पुरानी यादें यहीं जुड़ी हुई हैं यार, यहाँ से मैं स्कूल जाया करता था, तो वो वहाँ से चढ़ा करता था मैं स्कूल को, उधर जाया करता था तो 2-3 किलोमीटर पैदल। तो गाइस ऐसी जगह रहते थे यार हम पहले, देख लो अभी बादल आने वाले हैं, तो जब बादल आए अरे हिला रिया, देख लो गाइस व्यू एक बार। तो यार ये इधर किसी की बकरियां पड़ी हुई हैं यार ये खेतों में, चल निकाल बकरियां जाके, ये खेत सारे चरी बाजरा चरा लिए इन्होंने सभी। मैंने कैमरा उतारा था, देख लो हम, ये मेरा भाई है छोटा भाई, इसका भी एक चैनल है गेमिंग, तो सब्सक्राइब करता, मैं लिंक डाल दूंगा। तो देख लो गाइस ये होती थी यार पुराने यादें, अभी तक नहीं भूला मैं यार जब, अरे बाइक तो कहीं नहीं चोरी हुई, देखो यार अगर हम अभी यहाँ रहते होते तो देखो रोड ये नीचे बनी हुई है यार, तो क्या फ़ायदा यार 10-11-12 साल बाद रोड बनी तो फ़ायदा है नहीं कोई। तो अभी सब कुछ बदल चुका, अभी हम जहाँ रहते हैं बहुत अच्छे ठीक ठाक है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो गाइस आज हम यही पेड़, ये पेड़ तब नहीं था, तो ये तब बहुत सारा साफ सफाया था, तो अभी मतलब कैसे जंगल है। तो गाइस अब आज की वीडियो में इतना ही, तो लौटते हैं हम घर की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब मार के जाना, नहीं तो फिर पेल दो बटन।